أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا عنوان ہے شریعت طریقت معرفت حقیقت آج کا عنوان ہے شریعت طریقت معرفت حقیقت तो ये इसका हेडलाइन है। शरीयत एक इल्म है, तरीक़त उसका तरीक़ा है, हकीक़त उसका नतीजा है। यानी शरीयत एक इल्म है, तरीक़त उस इल्म का तरीक़ा है और हकीक़त उसका नतीजा है। आप सुनिए तफसीलवार। नंबर एक, यानी शरीयत जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा और आपने जो कुरान पाक से और जो अल्लाह के हुक्म से हदीसों के ज़रिए समझाया, यानी जो तरीक़ा अल्लाह ताला ने कुरान में बताया और रसूल ने हदीसों में फरमाया, उस तौर तरीक़े पर चलकर ज़िंदगी गुजारने का नाम शरीयत है। यानी जो तरीक़ा अल्लाह रसूल ने कुरान और हदीस के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारने का बताया, उस तौर तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा जो है उसे शरीयत कहते हैं। नंबर दो, शरीयत तरीक़त मार्फत हकीकत, तो इन तीनों का, शरीयत का, तरीक़त का और हकीकत का बेमार्फत के पता नहीं चलता। शरीयत भी मार्फत के मायने हैं एक के ज़रिए दूसरे की पहचान। जैसे एक आदमी कहता है मेरा नाम जैद है, मेरे बाप का नाम एहसान है, मेरा गांव चनियाना है या मेरा गांव अमरपुर है, तो इस कायदे से आप अपना तारुफ कराएंगे। तारुफ पहचान कराने को कहते हैं और इरफान पहचान लेने को कहते हैं। तो तरीक़त शरीयत भी बेमार्फत के नहीं आती। पहले किसी को मालूम करना पड़ता है कौन शरीयत का इल्म जानता है, किसने तुम्हें शरीयत का इल्म सिखाया है, उसने कहाँ से सीखा है। तो शरीयत भी बिना मार्फत के नहीं आती। अब सुनिए तरीक़त। तरीक़त उस तरीक़ों को कहते हैं जिसके ज़रिए इंसान को इंसान कामिल बनाया जाता है। तरीक़त उस तरीक़े को कहते हैं जिस तरीक़े से इंसान को इंसान कामिल बनाया जाता है, यानी तज़किया नफ्स कराया जाता है, ख्वाहिशात को काबू में करने का तरीक़ा तज़किया नफ्स है। फिर तस्वीर कल्ब कराया जाता है, दिल को साफ करके अल्लाह ताला का जिक्र शगल करना, उस तरीक़े से इंसान का दिल साफ होता है और एक सुकून होता है। तो इसमें पहले जिक्र बताए जाते हैं ताकि इंसान ज़ुबान से भी और ज़ुबान तालू से लगा के दिल से जिक्र करें, मगर जिक्र उसका किया जाता है जो वहाँ पर मौजूद ना हो। यानी जो शख्स उस जगह मौजूद ना हो उसका जिक्र किया जाता है, मगर ज़ात पाक हर जगह मौजूद है, इसलिए उसके लिए जिक्र करने से इंसान की आदत बनती है। उसके बाद शगल कराए जाते हैं, जिक्र याद करने को कहते हैं, शगल देखने को कहते हैं। और शगल क्या है? शगल रूही कराया जाता है जो उसका तरीक़ा है, और शगल कुल्ली कराया जाता है जिसका एक तरीक़ा है, और शगल मायत किया जाता है जिसका कोई तरीक़ा है, और शगल माउल जिहाद नीचे ऊपर दहने बाएं आगे पीछे फैला बतवल फजल्ला जिधर मेरा मुँह उधर तू, ये कराए जाते हैं। फिर मुशाहिदा कराया जाता है, मुशाहिदा देखने को कहते हैं।
फिर मायना कराया जाता है, मराकबा कराया जाता है, मराकबा रुजू होने को कहते हैं। तो ये तरीकत थी। और जैसे शरीयत में चलने के बाद उसका नतीजा, उसकी हकीकत क्या है, शरीयत पर अगर आप कारबंद रहेंगे, लोग अच्छा कहेंगे, आखिरत में अच्छा सिला मिलेगा, यानी जन्नत मिलेगी, दोजख से बरियत होगी। और तरीकत में चलने के बाद आपको मार्फत की ज़रूरत है। मार्फत कहते हैं एक के ज़रिए दूसरे की पहचान। आपको किसी ज़रिए से वो आदमी ढूंढना पड़ेगा जिससे इल्मे तरीकत आता होगा, और जब वो इल्मे तरीकत आपको आ जाएगा तो वो तौबतुन नसु करा के यानी बुरे कामों से तौबा करा के और अच्छे कामों की तरगीब दे के अब तुम्हें तालीम शुरू करेगा। पहली तालीम तज़किये नफ्स, यानी नफ्स जिन जिन चीज़ों को चाहता है उन पर काबू करना और उन्हें कम करना छोड़ना। तस्फिये कल्ब, जो तरह तरह के ख्याल आते हैं जिक्र करना, और जिक्र करने के बाद दिल में अल्लाह की याद का मज़ा लेना। फिर सफाई कल्ब, अल्लाह अल्लाह करके सारे ख्याल से काट के अल्लाह में ध्यान रखना, सुना जी। और जब कल्ब साफ करने के लिए तो ज़िक्र लकलका कराया जाता है। उसके बाद शगले रूही, शगले कुल्ली, शगले माइयत, शगले माउलजहात, मुशाहिदा, मायना, मराकबा, इनके तरीके बताए जाते हैं। और जब आप अपने उस्ताद के कहने से उन्हीं तरीक़ों पर आदमी अमल करता है तो उसके कल्ब के ऊपर तरह तरह के इंकशाफ और मुकाशफे और राज़े इलाही खुलते हैं। नतीजा इसका ये है, हकीकत इसकी ये है कि इंसान खुद को और खुदा को पहचान लेता है। तो एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, मार्फत से कमाल आरिफ है, मार्फत से कमाल आरिफ है, लाख शगलें किया करे कोई, मार्फत से कमाल आरिफ है, लाख शगलें किया करे कोई। तो मेरे बहन, मेरे भाइयों, अगर आप कोई सवाल करेंगे और कोई तरीका जानने चाहेंगे या मुझसे मिलेंगे, तो मिलने के बाद मैं तुम्हें अच्छे तरीके से अगर अल्लाह चाहे समझा पाऊंगा। मेरा पता है अब्दुल रऊफ सज्जादा नशी, मुकाम अमरपुर, ज़िला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। और मेरा फ़ोन नंबर यह अलग है जिसे मैं भरता हूँ, इसके नंबरों को मैं नहीं कहता, डिस्टर्ब होऊंगा भरते टाइम। लेकिन मेरा निजी नंबर है वोडाफोन का, 96 75 80 49 93। मेरा फ़ोन नंबर है 96 75 80 49 93। अब ये जो मैं लिबास पहने बैठा हूँ, जो आप देख रहे हैं, मैं पहले जो कैसीदा भरता था, जो दादा पीर से जिस लिबास की इजाज़त थी अंगरखा वगैरह की, वो मैंने सीधा साधा पहना, और मैं इसके लिए कोई अहतमाम नहीं करता, बस यूँ ही कैसे भरता रहता हूँ। जिस दिन ये लिबास मदीने से मेरे पास आया और मैं कवालों की महफिल में बैठा, तो उन्होंने शेर क्या गाया, ये पोशाक मेरे यार ने भिजवाई है, ये पोशाक मेरे यार ने भिजवाई है, सरकार ने भेजी है, मदीने से चली आई है। बड़ा नोट आया अबालों पे। अच्छा भैया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुम्हें बता दिया शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत। शरीयत की हकीकत ये है कि लोग आपको अच्छा कहेंगे और आखिरत में अच्छा मुकाम मिलेगा। और तरीक़त की मार्फत ये है, और मार्फत ये है कि किसी के ज़रिए से आपको तरीक़ा मालूम होगा। तीसरे, जब आप इस पर कारबंद होंगे, शरीयत पे चलने को चलना कहते हैं, लेकिन इस तरीके को पे चलने को तय करना कहते हैं, यानी सलूक तय करना।
और यानी सलूक तय करना, और इसका नतीजा क्या है, बंदा अपने आप को और अपने खुदा को पहचान जाता है। वो माँ अलैना इल्लल बलाग, सब बहन भाई बेटी बेटा चचा ताऊ सबकी खिदमत में मेरा सलाम आदाब अर्ज है। अस्सलाम अलैकुम। नंबर एक खत्म हुई।